गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपना फिजिक्स का वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। देखिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स से रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के। हम अगर लॉज की बात करेंगे तो टू लॉ होते हैं, ध्यान दिए हम लोग, टू लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। अब वही आपको मैं समझाने जा रहा हूं कि वो कौन कौन से होते हैं। पहला कि मैं आपको फिगर से समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा कि देखिए ये जो रे गिर रही है ये आपकी है इंसिडेंट रे और ये आपकी है रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है जो गिरी और जो वापस गई वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है कि जिस एंगल पर गिरती है उतने ही एंगल पर वो वापस जाती है। मींस कि साइन आई इक्वल टू साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ हमारा होता है, क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30 डिग्री पे गिर रहा है तो 30 ही डिग्री पे फिर वो वापस होगा। किसके साथ एंगल बनती है? नॉर्मल से। नॉर्मल से अगर 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई लाइट तो नॉर्मल से 30 डिग्री पे ही वो वापस लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो हमारा पहला लॉ है क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ की हम बात करेंगे तो सेकेंड लॉ हमारा ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि सब एक दूसरे के ऊपर ही आ जाए, इंसिडेंट रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल सब इसी पे आ जाएंगे। आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हमारा सेकेंड लॉ है। क्या? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये हमारा सेकेंड लॉ है। इसमें अब क्या चीज निकल के आई कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो नॉर्मल के साथ बनता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे मिल गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल आई जो है वो जीरो हो गया। और वही कंडीशन आपके रिफ्लेक्टेड रे के साथ हुई कि जो आर है वो भी नॉर्मल के साथ मिल गया, तो इसका मतलब कि एंगल आर भी कितना हो गया? जीरो हो गया। तो ये आपके सेकेंड लॉ से निकल के आया कि सेकेंड लॉ जब ये कहेगा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल आई इक्वल टू जीरो एंड एंगल आर इक्वल टू जीरो। ये हमारे दो लॉ थे, दो टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।